सो गुरमुख प्यारियो नानक सर कलेरां विखे हर महीने पूर्णमाशी मनाई जाती है। बाबा आनंद सिंह जी ने पूर्णमाशी लगभग 1922 विच इत्थे मनाउणी शुरू कीती। बाबा जी सिख त्यौहारां दी गौरवता नूं सत्कार दे सन अते फरमाया करदे सन कि भाई विसाखी श्री दमदमा साहब, दिवाली श्री अमृतसर साहब, मसिया तरन तारण साहब, होला महला आनंदपुर साहब, दुशहरा हजूर साहब दर्शन योग हैं। दिवाली उपर इत्थे दीपमाला कराउंदे सन। तिहारां तो छुट संगरांद अते मसिया नूं भी शुभ दिन मनदे सन। संगरांद वाले दिन तां वड्डे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करदे सन। यह बीड़ बहुत मोटे अखरां दी है, पुराणी छपी हुई है, भार विच सवा मण पक्के तों घट नहीं है। इस विचों श्री गुरु नानक देव जी ने प्रगट हो के बाबा जी नूं दर्शन दिते सन। इस दा प्रकाश बाबा जी केवल दिन दिहार नूं ही करदे सन। सेवा भोग पक्खे आदि आप ही बकायदा करदे रहे। छुट अखीरले 2 कु सालां विच जदकि अवस्था विरध हो गई। हर संगरांद नूं 12 माह ते हुकरनामा आप ही लिया करदे सन। इसे तरह मसिया नूं भी हुकरनामा आप लैंदे सन। इन्हां दोहां दिनां नूं देग भाव कड़ा प्रसाद भी खास तौर ते वरताया जांदा सी। अगे पिछे देग कोई लै आउंदा तां वक्खरी गल है। गुरपुरबां विचों बहुत करके 2 वड्डे गुरपुरब ही धूमधाम नाल मनाउंदे सन। श्री गुरु नानक देव जी का अवतार पुरब तो आउंदा ही कत्तक पूर्णमाशी ते सी। ते श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का अवतार पुरब ते भावें पूर्णमाशी जिनी रौनक तो नहीं सी हुंदी, पर गुरु साहब की उस्तत ते उन्हां दी बाणी वल विशेष ध्यान दिया करदे सन। सरदार रतन सिंह जी दे कथन अनुसार जदों पहली पूर्णमाशी 68 कलेरां विखे मनाई गई तां संगत दी गिणती 50 तों वध नहीं सी। कोई छप्पर छाया उस वेले नहीं सी, एक किक्कर दे रुख हेठां ही संगत इकट्ठी होई तां बाबा जी ने संगत नूं शब्द पढ़न लई आख्या, पर सारे ना वाकफ ते शर्माकल होण करके चुप रहे। तां बाबा जी ने आप ही अगवाई कीती ते आखां जीवां विसरै मर जाओ ते पिछे संगत बोलण लग गई। इस तरह पूर्णमाशी की आरंभता हो गई अते अगों अगों संगत वधी गई। पहला पहल तां देग लिआउण वालियां दे नाम भी बाबा जी नूं बेनती कर दिते जांदे सन ते उन्हां दी प्रवानगी लई जांदी सी। पर जद प्रसाद लैके आउण वालियां दी गिणती बहुत वध गई तां इकट्ठी अरदास हो जांदी। देसी घिओ दी बनी हुई देग ते उस दे खुले गफ्फे अनेकां मुंडियां खुंडियां नूं भी पूर्णमाशी ते खिच लिआउंदे, पर उन्हां नूं कथा कीर्तन आदि विच दिलचस्पी नहीं सी। इस लई दीवान विच तां समाप्ति ते ही आउंदे ते पहलां आ के कौडी खेडण लग जांदे, पर दयालू बाबा जी उन्हां बाबत खास तौर ते वचन करदे सन, भाई जिहड़े कौडी खेडदे हन ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਟੋਕਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,
तां जूड़े चुकण वाले आपे हट जाणगे। तां हस के बाबा जी कहण लगे, थानू दरगाहों जोड़न दा हुकम है, तोड़न दा नहीं। तां उस तो बाद सैकलां अते जोड़ियां वास्ते टिकटां बन गईयां। लगभग 1923 तो ही जोड़े अते सैकल जमा करन दी रीत तुर पई अते ये जिम्मेवारी सरदार शेर सिंह जी जगराओं वालिया ने सारी जिंदगी निभाई। उपरंत उन्हां दे सपुत्र सरदार करतार सिंह जी सैकलां वाले अते अगों उन्हां दे सपुत्र भाई ईश्वर सिंह जी, सरदार अवतार सिंह जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी। जोड़ा घर अते सैकल मोटरसाइकल दी मेन जथेदारी तां भाई ईश्वर सिंह जी निभा रहे हन अते डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, जिन्हां ने बाबा हरभजन सिंह जी दे हुक्म अनुसार सुख सागर चैरिटेबल सोसाइटी फ्री होम्योपैथी डिस्पेंसरियां तकरीबन 15 दे करीब सारे हिंदुस्तान विच खोल दित्तियां हन अते नानकसर वी जोड़ा घर दे बाहर वो डिस्पेंसरी खोली गई है, जिथों के संगतां ते विहंगम बहुत लाहा लै रहे हैं। उन्हां दी जिम्मेवारी अते कार पार्किंग नानकसर कलेरां विखे उस दी जिम्मेवारी बाखूबी निभा रहे हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह जी। हर एतवार 5 गुरमुख अते पूर्णमाशी ते 40 कु सिंह कार पार्किंग दी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पावकी के संगतां अपने आप ही नानकसर विखे लोड़ अनुसार सेवा कर दिया हन। एक सरदार बलवीर सिंह पिंड चक्र तो हर एतवार पुन्या बरसी ते नानकसर विखे GT रोड तो 68 तक संगत दी बस द्वारा फ्री सेवा कर रहे हैं। पावकी के संगतां दे अंदर इन्नी खिच है कि अपने आप ही बिना किसी दे सदे बिना किसी दे सन्मानित किए गुप्त तौर पर ही सेवा करी जा रहे हैं। बाकी पूर्णमाशी ते आने वालियां दी तां गिणती भी नहीं हो सकती। सारी सारी जिंदगी पुन्या दा नागा नहीं पाया, कोई 10 साल कोई 20 साल तो कोई 30 साल तो हाजरियां भर रहे हैं। बुजुर्ग ना रहे तां अगों बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब विचों ही नहीं बल्कि UP बिहार मध्य प्रदेश दिल्ली वगैरह तो हर महीने आना। एक दिन आउंदिया लग जाता है, एक दिन जांदिया लग जाता है, भाव 3 दिन कढ़ने हर महीने। फिर पुन्या तो हो के जाना, गड्डी तो उतरना, स्टेशन ते पहुँचदियाँ ही पहला अगली पुन्या दियाँ सीटां बुक करवाउणियां ते फिर घरे वड़ना, किदां दा सिदक होवेगा। ते एक बरेली तो माता आउंदी सी हर पुन्या ते, असी तां उसनूं सारी जिंदगी देखदे रहे हाँ। वापस जांदियां गड्डी विच बैठियां ही वह शरीर छड्ड गए, किवें उसकी सुरत गुरु नानक के चरणों में ही लगी होगी। हुण अगों उन्हां दे बच्चे उस तरह आ रहे हैं। हुण सोचो इस गल नूं कि कीड़ी खिच बाबा जी ने संगत अंदर पा दिती है, जो संगत खिची चली आउंदी है। इसलिए अज एक साखी सुना रहे हाँ कि पूर्णमाशी ते आउण वालियां दीआं किवें मनोकामना पूरियां हुंदियां हन, उस नूं प्यार नाल अरवन करो। एक सरदार निरंजन सिंह कैप्टन बच्चा सी 1951 सन विच 12-13 साल दी उम्र 8वीं जमात विच पढ़दा सी ते बाबा जी दी शोभा सुनी ते मन खिचिया गया। बाबा जी दे दरबार विच दर्शन करन वास्ते फुरना बनिया ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੈਤਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੈ। 4 ਵਾਜੇ, 2 ਜੋੜੀਆਂ, 3 ਰਬਾਬਾਂ, 2 ਤੰਬੂਰੇ, 2 ਸੁਖ ਸਾਗਰ, 2 ਬੈਂਜੋ, 1 ਵਾਇਲਨ,
तीन चार टलियां दे जोड़े दो नाद आदिक दरगाही नजारा देवत्यां दी सभा लगी हुई है जिस वेले सारियां साजां दे विच्चों एक ऐसी धुन उठती है जो मन नूं खिच के लै जांदी है। फिर बाबा जी दे इलाही बचन सुन के होर भी मन खिचिया गया। वापस घर जाण नूं जी ना करे, रात इत्थे ही रहे, दूसरे दिन दर्शन मेला करके घर गए। ते घर जा के मन विच इहो ही खिच रहिंदी है कि कदों वेला आवे नानक सर दर्शन करन जाइए। उम्र छोटी होण कारण माता पिता कल्यां नूं भेज नहीं रहे, होर कोई साधन तो बिना जाना भी औखा है। इस तरह कुछ समा बीतिया, अठवीं जमात पास करके लुधियाने पढ़न लग गए। घरदियां ने नवा साइकल लै दिता, साइकल ते आम आना जाना हो गया, मुंडियां नूं थकावट भी नहीं हुंदी। इस तरह दो तीन साल बाद कॉलेज विच पढ़न लग गए। एक पुन्या ते माता नूं भी प्रेरणा करके नाल नानकसर लै आए, उन्हां भी दर्शन मेला कीता, खुशी दी कोई हद ना रही। ते इस नूं हर पुन्या ते आण जाण वास्ते खुली छुट्टी हो गई। हुण हमेशा एक दो मुंडे होर तैयार हो गए ते गर्मियां सर्दियां हर पुन्या ते नानकसर आउणा ते रात नूं ही साइकलां ते वापस मुड़ जाणा। कई वार तां पोह माघ दीआं रातां नूं इउं मलूम हुंदा सी कि लता नाल है ही नहीं। फिर तेज जोर ला के साइकल चलाउणा ते शरीर गर्म करना, जदों भी नानकसर जाणा मन विच इक खिच रहिणी कि बाबा जी नाल कदे वचन करन दा मौका मिलेगा। अते हुण इह नौकरी दी भाल विच सन, एक बहुत वड्डे सरदार दी सिफारिश कराई ते नौकरी दी आस हो गई। कुछ दिन मगरों पंजाब नैशनल बैंक विच नौकरी मिल गई। एक दिन इह सवेरे कीर्तन दे समें नानकसर कलेरी पहुँचे, भोग तों बाद संगतां बाबा जी दे सचखंड विच दर्शन कर रहियां सन, सतनाम दा वाजा दिंदियां जा रहियां सन, बाबा जी सचखंड विच चौर कर रहे सन। हुण निरंजन सिंह अपनी घरवाली समेत अपनी वारी नाल सचखंड विच पहुँचे, नाल ही भाई बहादुर सिंह जी रागी अपने परिवार समेत पहुँचे। भाई साहब ने बाबा जी नूं मत्था टेकिया तां छोटे बच्चों वल वेख के कहण लगे, ये रागियां दी पनीरी है। तां सारे हस पए, भाई साहब भी हस पए। इतनी गल कह के चौर करदे हुए बाबा जी फिर पिछे नूं चले गए। हुण निरंजन सिंह दे मन विच ख्याल आया कि मैं बाबा जी नूं अंतरजामी तां समझा जे बाबा जी मैनू सचखंड तो बाहर आ के दर्शन दे, ते मैं बाबा जी दे चरण फड़ के उस वेले सिर चुकां जदों बाबा जी हथ फड़ के मैनू उठाउण। नेत निरंकार दी बाबा जी सचखंड तो बाहर आ गए। निरंजन सिंह ने झट ही मत्था टेकिया ते बाबा जी ने हथ फड़ के कहा, सतगुरु नूं मत्था टेक, ते वचन कीता, काका फौज विच हुंदा है, उठ खड़ा हो। उस वेले नवें नुक कपड़े फौजियां दी तरह पाए हुए सन, 6 फुट लम्मा कद वेख के बाबा जी ने वचन कीता। तां उत्तर विच निरंजन सिंह ने कहा, जी मैं तां बैंक विच नौकरी करदा। चौर करदे करदे बाबा जी फिर अंदर चले गए। हुण भाई सुच्चा सिंह ने उच्ची आवाज विच कहा कि भाई सतनाम दा वाजा दिओ ते तुरे चलो, हुण इत्थों दर्शन मेला करके ये वापस घर वापस आ गए। कुछ चिर मगरों बैंक विच नौकरी पक्की हो गई। इस तरह समा लंघदा गया। नेत निरंकार दी ऐसी हुई कि चीन दी लड़ाई लग गई। उस वेले अंबाले बैंक विच नौकरी करदे सन। अखबार विच खबर छपी कि जिहड़े नौजवान सरकारी जां प्राइवेट महकमें विचों फौज लई एमरजेंसी कमीशन विच भर्ती होना चाहुंदे हन, वह दरखास्त कर दे, असी उन्हां नूं डबल तनखाह ते भर्ती करांगे।
ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਸੂਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਿੱਲੀਗੌੜੀ 33 ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਿੱਲੀਗੌੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਰੈਂਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਿਹਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕੁਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤੋ ਰੱਖੀਐ, ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ NVI ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।